तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों देखिए, आप जो वीडियो के अंदर फोन देख पा रहे हैं, ये नोकिया कंपनी का फोन है, कीपैड मोबाइल है। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल बता दूं दोस्तों, ये है नोकिया TA1010, यानी कि नोकिया 105 न्यू मॉडल। ठीक है दोस्तों, अभी इस फोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले हम वो जानेंगे, उसके बाद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरीके से किया जाता है वो जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो कस्टमर हमारे पास को लेकर गए हैं, उनका कहना यह है कि भाई मेरे फोन के अंदर चार्जिंग नहीं चल पा रही है। देखिए सेट तो ऑन है हमारा फोन तो, लेकिन चार्जिंग नहीं चल पा रही है। तो सबसे पहले देखिए, हम चार्जर लगा करके यही चेक करेंगे कि चार्जिंग चल रही है या फिर नहीं चल रही है। तो भी दोस्तों देखिए, डिस्प्ले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चलिए हम इसके अंदर चार्जर लगा लेते हैं। तो देखिए, हमने चार्जर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, और आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं डिस्प्ले के अंदर, इस फोन के अंदर कोई भी चार्जिंग नहीं चल रही है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कस्टमर का कहना बिल्कुल सही है, इस फोन के अंदर चार्जिंग नहीं चल रही है। तो अभी यदि आपके सामने ऐसा कोई फोन रिपेयर होने के लिए आता है जिसके अंदर चार्जिंग नहीं चलती है, तो आप उसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, वही सब कुछ इस वीडियो में जानने के लिए आपको मिलने वाला है। तो भाई वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक वॉच करना। और मेरे भाई, यदि आप मोबाइल मैकेनिक, आपकी मोबाइल की शॉप है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। सो प्लीज दोस्तों, अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फोन को खोल लेते हैं। ठीक है, तो जब तक मैं फोन को खोलता हूँ, तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यदि आपको फोन को खोल के भी दिखाऊं तो वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो चलिए, हम इसके स्क्रू वगैरह खोल करके और फोन को खोल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने इस फोन को खोल लिया है। अभी देखिए, हम इसका चार्जिंग कनेक्टर या चार्जिंग जैक होता है उसे देखते हैं। और दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर यदि देखेंगे, इसके चार्जिंग जैक का जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है पीछे से। तो मुझे लगता है कि 99% तो हमारा ये चार्जिंग जैक ही खराब है। इसी को चेंज करने से हमारे फोन की चार्जिंग चल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये चार्जिंग जैक यहाँ से निकाल करके और इसमें नया चार्जिंग जैक लगा लेते हैं। तो चलिए देखिए, जब आप ये चार्जिंग जैक निकालें, SMD से आप हीटिंग वगैरह करेंगे इसके ऊपर, तो आपको क्या करना है, पहले आप डिस्प्ले को पीछे की तरफ इस तरीके से कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जी, आप यहाँ पर रखेंगे डिस्प्ले को, तब यहाँ पर हीट वगैरह लगाएंगे तो डिस्प्ले खराब हो जाती है। तो इस वजह से आप डिस्प्ले को पीछे की तरफ यहाँ पर कर लें, और अभी आप यहाँ पर इसके चार्जिंग जैक के ऊपर हीटिंग करेंगे तो हमारा चार्जिंग जैक निकल जाएगा। और देखिए, एक आसान तरीका और है, आप चार्जिंग जैक को निकालने से पहले आप चार्जिंग जो हमारा जैक है कनेक्टर, इसके चारों तरफ पेस्ट जरूर लगा लेना। इससे होता क्या दोस्तों, आप पेस्ट लगा लेंगे ना, तो जैसे ही हम SMD के ऊपर हीट लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी सोल्डिंग वायर गल जाती है और चार्जिंग जैक बहुत ही आसानी से निकल जाता है। वरना दोस्तों, ये जो सोल्डिंग वायर होती है गलने में टाइम लेती है, और आप थोड़ा जोर जबरदस्ती करेंगे तो प्रिंट भी कट जाते हैं, कभी कभी नीचे वाले ट्रैक होते हैं वो भी कट जाते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पेस्ट जरूर लगा लें। ठीक है, पेस्ट लगाने के बाद आप SMD से इस चार्जिंग कनेक्टर को निकालना। ठीक है, देखिए इस तरीके से अभी हम यहाँ से चार्जिंग जैक निकालेंगे ये, तो इसके ऊपर हीट लगाएंगे। और जब इसके ऊपर आप हीट लगाएं तो ये देख लेना, इसके दाएं बाएं आपको हीट नहीं लगाना है, वरना जो चार्जिंग IC वगैरह रहती है छोटी वाली, या फिर कोई कंपोनेंट रेजिस्टेंस वगैरह रहते हैं वो उखड़ जाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से जो हमारा चार्जिंग कनेक्टर है इसी के ऊपर SMD से हीट लगाना है। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से हमने चार्जिंग जैक को हटा दिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ से जो प्रिंट है इसके, इन्हें क्लीन करना है, जो ट्रैक है यहाँ पर। ठीक है, तो हम थिनर वगैरह से और ब्रश वगैरह लेकर के इन्हें क्लीन करेंगे। देखिए, ये हमने क्लीन कर दिया, और क्लीन करने के बाद आप इन्हें थोड़ा थोड़ा रिसोल्ड भी कर सकते हैं, यानी कि यदि आपको लगे इनके ऊपर अच्छे सोल्डिंग लगा हुआ नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा करके और इन्हें सोल्ड कर देना आयरन से। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, देखिए जिस तरह का चार्जिंग कनेक्टर एंड चार्जिंग जैक हमने इस फोन से निकाला है, सेम उसी तरह का आपको इसमें लगाना है। कोई भी जुगाड़बाजी करने की कोशिश मत करना कि भाई और किसी फोन का इसमें टाके वाके लगा करके फिट कर देते हैं, तो उससे होता क्या दोस्तों, वो जैक जल्दी उखड़ जाता है। तो आप प्रॉपर यही जैक लगाने की कोशिश करें जिस तरह इसके फोन के अंदर लगता है, वही जैक आप इसमें लगाएं। वो लग भी बहुत आसानी से जाएगा और अच्छी तरीके से लगेगा और ज्यादा चलेगा भी। तो अभी दोस्तों देखिए, ये है प्रॉपर जैक जो कि इसी तरह का है जो हमने इस फोन के अंदर से निकाला था, इसे हम इसके अंदर लगाएंगे। लेकिन चार्जिंग जैक लगाने से पहले हम इसकी जो पांचों लेग्स होती हैं ये इन्हें सोल्ड करेंगे। ठीक है, और ये जो दो लेग्स हैं साइड वाली इन्हें भी सोल्ड करेंगे। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा हम इस पर पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने के बाद सोल्ड करेंगे, जिससे कि अच्छे से ये पांचों पिने जो है हमारी ये सोल्ड हो जाएं। और जब ये अच्छे सोल्ड हो जाएंगे तभी ये बोर्ड पर जो हमारे यहाँ पर प्रिंट होते हैं इन पर अच्छे से पकड़ बना पाएंगे। तो चलिए पहले इन्हें ही सोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये सोल्ड कर दी है। अभी हम क्या करेंगे, 4 इंच जेब के इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेस्ट यहाँ पर लगा देंगे हम और भी, जिससे कि हमारा जैक अच्छे से लग जाए, जो चार्जिंग कनेक्टर है। तो अभी देखिए हम यहाँ पर इसे फिक्स करके रखेंगे, और इसकी एक लेग को कोई सा भी आप एक लेग इसमें अच्छे से पहले सोल्ड कर दें, जिससे कि हमारा जैक यहाँ से फिर हिले नहीं, एक जगह पर स्थिर हो जाए। और आप पीछे वाली पांचों पिने देख लेना, प्रिंट के ऊपर प्रिंट ही आना चाहिए। इसे टेढ़ा करके माप लगा देना, वरना ये वर्क नहीं करेगा और सही से नहीं लग पाएगा। तो आपको जो आप पहली लेग जो कनेक्ट करेंगे इसकी, वहीं पर ये ध्यान रखना है कि जैक जो है चार्जिंग कनेक्टर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हमने इसकी एक लेग को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, और हमने बैक साइड से भी देख लिया है हमारे प्रिंट के ऊपर प्रिंट अच्छे से आ रहे हैं। अब हम इसे पक्का कर सकते हैं। पक्का कैसे करेंगे, तो देखिए आप चाहें तो आयरन से भी कर सकते हैं, वरना यदि आपके पास या फिर आपके पास जो सभी वर्क करते हैं सब वो टूल हैं, तो आप आसानी से SMD से भी इसे लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम चार्जिंग कनेक्टर के नीचे ये लोहे की एक पत्ती यानी से रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद अभी हम एक ट्यूजर यानी कि चिमटी ले लेंगे, इसे इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करके रखेंगे। ये हमने पहले ही देख लिया था कि हमने बिल्कुल फिक्स इसको रखा है, हमारी पांचों लेग्स सही हैं, प्रिंट के ऊपर प्रिंट है। अभी हम SMD से इसके ऊपर हीट लगाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसके ऊपर हीटिंग करेंगे तो SMD का हैंडल थोड़ा ऊंचा उठा रहना चाहिए, बिल्कुल इस पे रख करके हीटिंग मत करना, वरना ये फूल करके खराब हो जाता है बोर्ड। तो थोड़ा ऊपर से लगाएंगे, और जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा हमारी सोल्डिंग पिघल जाएगी, तो बहुत ही आसानी से बिना आयरन लगाए अब हमारा यहाँ पर जो चार्जिंग कनेक्टर है वो लग जाएगा। तो अभी दोस्तों देखिए हमारा जैक यहाँ पर फिक्स हो चुका है ये, तो हम इस पर अब हीट लगाना बंद कर देंगे, और थोड़ी देर इस तरीके से ही हम इसे पकड़ के रखेंगे, जिससे कि हमारा जैक हटे नहीं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर ये सोल्डिंग भी गर्म है और जैक भी हमारा गर्म है। थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं, 10-5 सेकंड तक आप रोक के रखें, तो 5-10 सेकंड में ही हमारा ये चिपक करके सेट हो जाता है, ठीक है। अभी हम हटा देंगे ट्यूजर को, और देखिए हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो लग करके तैयार हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अभी चलिए हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर चार्जिंग चलती है फिर नहीं चलती। तो पहले हम डिस्प्ले सही से कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और भी डिस्प्ले करने के बाद हम इस फोन के अंदर चार्जिंग जो है वो लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी बैटरी लगा लेते हैं। ये देखिए हमने बैटरी यहाँ पर लगा ली, और अभी हम इसके अंदर चार्जर लगाएंगे। तो दोस्तों चलिए चार्जर लगा लेते हैं। किया और चार्जर बैटरी लगाए हैं, तो हमारे फोन के अंदर चार्जिंग चल चुकी है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो बस यही समस्या है दोस्तों, यदि आपके सामने ऐसा कोई फोन आता है, ये कंडीशन होती है फोन की, तो आप चार्जिंग जैक को चेंज कर देना। और ये चार्जिंग जैक आपने चेंज कर दिया है, तो आप ये जरूर देख लेना उसकी पांचों जो पिने होती है पीछे वाली, वो प्रॉपर कनेक्ट हो चुकी है बोर्ड से या फिर नहीं। यदि उनमें से माइनस या फिर प्लस वाली कोई सी पिन प्रॉपर कनेक्ट नहीं होगी, तो आपके फोन के अंदर चार्जिंग नहीं चलेगी। तो आपको उन्हें एक बार रिसोल्ड कर देना, जैसे मैंने आपको बताया है, बाकी ठीक इसी तरीके से फिर आपके फोन के अंदर चार्जिंग चल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा या फिर हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर से ऐसे को नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।